नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हम आप जानते हो कि कल हमने परसेंटेज शुरू किया था, जिसमें आपने कुछ कंसेप्ट सीखे थे नए, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज बाय 10%, तो एग्जामिनर क्या करता है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस लाइन को समझ लेते हैं कि आखिर ये लाइन कहना क्या चाहती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन की सैलरी कितने में बढ़ रही है, 10% से इंक्रीज हो रही है। सिर्फ एक मिनट, यहाँ पे वापस से कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि पर्सन की सैलरी इंक्रीज हुई 10% से, तो एग्जामिनर इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछता है। तो सबसे पहले इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहना क्या चाहती है हमसे। तो क्या कहा जा रहा है, एक पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो रही है 10% से, है ना, 10% से। कल हमने पर्सन के बारे में जाना था कि आखिर परसेंटेज क्या है। हम क्या कर सकते हैं, ये हमें 10% दिख रहा है, इस 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें तो हमें ये मिलेगी 1/10। अब ये 1/10 हमसे कहना क्या चाहता है, 1/10 हमसे ये कह रहा है कि 10 हमारा क्या हो गया, होल नंबर, जो हमारी क्या थी, पुरानी सैलरी थी। ठीक है, ये हमारी क्या है, लिख लेते हैं इसको, पुरानी सैलरी। ठीक है, अब उसने कहा कि हमारा जो सैलरी है कितनी हुई है, 10% इंक्रीज हुई है। यानी कि अब देखो कि 10 अगर हमारी पूरी सैलरी थी तो 10 का 10% कितना होता है, हमें पता है कि कितना, 1 होता है। तो इसका मतलब कि कितनी सैलरी इंक्रीज करी हमारे 10 के ऊपर, 10 के ऊपर जो हमारी सैलरी हुई है वो 1 रुपया इंक्रीज हुई है। तो हम समझ सकते हो ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि हमारा ये क्या बन गया, आई, ये हमारा क्या, पुराना घर, यानी कि जो हमारी क्या थी, पुरानी सैलरी थी। हम आगे लिख लेंगे इसको फाइनल, यानी कि हमारी नई सैलरी, यानी कि हमारा नया घर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या कहना जा रहा है, पुरानी सैलरी हमारी थी 10, ठीक है, इसको लिखा 10 आपने, अब इसके ऊपर कितना इंक्रीज करा, हमें 10% इंक्रीज करा, यानी कि 10 का 10% कितना, 1 रुपया इंक्रीज करा। तो 1 रुपया कितना हुआ, 10 में 1 जोड़ा तो कितना बना, 11। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, अपनी सैलरी को लिख सकते हैं कि हमारी इनिशियल सैलरी कितनी थी और फाइनल सैलरी कितनी थी। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि हमारी जो नई सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 121 रुपए। कितनी बन रही है नई सैलरी, 121 रुपए। तो क्या आपको दिख रही है कि आपकी सैलरी कितनी थी, कल मैंने आपको कंपैरिजन करना सिखाया था, राइट। यहाँ पे देखो हमारी नई सैलरी कितनी दिख रही है, हमें दिख रही है 11 रुपए। देखो 11 रुपए को हम यहाँ पे ना 11 रुपए मतलब कि यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, हम ले रहे हैं कि 11 क्या, 11 यूनिट्स है हमारे। अब ये 11 यूनिट्स को किससे कंपेयर करना, हमने कल सिखाया था कंपेयर कैसे किया जाता है, नई सैलरी में हमने क्या कहा कि 121 रुपए नई सैलरी है, यानी कि 11 यूनिट किसके बराबर हुए, 121 के बराबर हुए, राइट। तो मेरे को बताओ 11 यूनिट 121, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, ऑफकोर्स अब तो आता होगा, कल सीखा था 121 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 11 से। या अब आपको पता कि 11 से डिवाइड करेंगे कितना आने वाला, पुरानी सैलरी कितनी थी, पुरानी सैलरी हमारी थी 10 रुपए। अब क्या करेंगे, 1 रुपया मिल गया कितनी है, क्या 10 रुपए निकाल सकते हो, क्या कर लेंगे, 10 से इसका गुना कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 11 से 121 को डिवाइड करेंगे आएगी 11, मतलब कि पुरानी सैलरी हमारी कितनी थी, 110 रुपए थी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, हम कहना क्या चाहते हैं, आप किस किस तरह से इसको कर सकते हो। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, है ना। चलो आपसे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, आप मेरे साथ करना कुछ क्वेश्चन को। जैसे मैंने बोला सेम क्वेश्चन है, पर्सन की सैलरी अब कितनी इंक्रीज करी, सैलरी इंक्रीज में बोलता हूँ कि अब कर रही है कितनी, 20% कर रही है, ठीक है, 20% इंक्रीज करी है। अब आपको पता होना चाहिए कि 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब हमारे पास क्या था, 5 हमारे होल नंबर, यानी कि हमारी पुरानी सैलरी, 5 का 20% कितना, 1 रुपया, मतलब पुरानी सैलरी हमारी क्या थी, ये हमारा क्या, इंक्रीज है, ठीक है, जो हमारा कितना इंक्रीज करा, 20%, 5 का 20% कितना, बिल्कुल आप जानते हैं 1, ये हमारी क्या थी, ओल्ड सैलरी थी यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये हमारा पुराना घर आई, ये हमारा नया घर एफ, पुराना कितना, 5, 5 हमारी पुरानी सैलरी थी, इंक्रीज करी 1 से तो कितना हुआ, 5 में 1 जोड़ा, 5 में 1 जोड़ा तो कितना बना, 6, सही बात है। अब देखो अगर वो बोले कि हमारी सैलरी नई जो बनी वो कितनी बनी, 360 रुपए बनी, कितनी बनी, 360 रुपए बनी, तो यहाँ पे कितनी बन रही थी हमारी, 6 रुपए बन रही थी, मतलब कि क्या, 6 यूनिट किसके बराबर आया, 6 यूनिट हमारा आया 360 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 1 यूनिट आएगा हमारा
बिल्कुल आप जान गए होंगे 60 के बराबर आएगा। तब मेरे को कितनी सैलरी पुरानी, हमारी पुरानी सैलरी है 5 रुपए। तो मेरे को बताओ 5 रुपए कितनी आएगी, 5 यूनिट हमारे आएंगे 5 से 60 की मल्टीप्लाई, यानी कि 300 रुपए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर मेरे को नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रहा होगा। आगे अब आगे चलते हैं। अब अगर बोले कि एग्जामिनर बोले कि अब सैलरी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, सही बात है, डिक्रीज भी तो कर सकती है, इंक्रीज तो ना करेगी हमेशा सैलरी, है ना। कुछ हमारे जैसे इंसान हो जो काम अच्छे से ना करते हो। अब देखो जैसे हम क्या बोलेंगे कि हमारी कितना था, मैंने बोला कि हमारी सैलरी कितनी 25% से डिक्रीज करी, कितने से करी 25% से डिक्रीज कर रही है। मेरे को बताओ 25% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, सही है। पुरानी सैलरी कितनी 4 रुपए, नई सैलरी कितनी 1 रुपया, मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीज कर रहा है ना। अब क्या बोला हमने, डिक्रीज करा है यहाँ पे, एक क्या हुआ 4 के ऊपर 1 का डिक्रीज, क्यों, क्योंकि 4 की जब मैं 25% निकालूंगा तो कितना आने वाला है, बिल्कुल 1 आने वाला है। तो 4 का 25% कितना 1, मतलब पुरानी सैलरी 4 के ऊपर मेरे को बताओ डिक्रीज आया कि इंक्रीज आया। मेरे को देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मैंने डिक्रीज आया, तो 4 के ऊपर 1 का डिक्रीज मतलब 4 में से 1 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा 3, मतलब पुरानी सैलरी, नई सैलरी कितनी आई हमारी, बिल्कुल 3 रुपए अब नई सैलरी आई है। अगर बोलें कि नई सैलरी हमारी कितनी हो गई है, 600 रुपया होगी, तो इसका मतलब नई सैलरी कितनी हुई है, नई सैलरी कितनी आई हमारी, हमने लिख लिया कि कितनी आई है 600 रुपए नई सैलरी है। लेकिन हमारी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने से क्या मिल रहा है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट किसके बराबर आया, सामने दिख रहा 600, हाँ ये 600 रुपया क्या होगा कि यहाँ पे आपको एग्जाम में पहले दे रखे होंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं कि 600 कहाँ से ले रहा हूँ, पीछे मैंने जो भी नंबर लिए कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये एग्जाम में आपको दे रखे होंगे कि नई सैलरी आपकी इतनी डिक्रीज होकर इतनी बन गई हुई है। ठीक है, और फाइंड करने के लिए बोला होगा कि इनिशियल सैलरी फाइंड करो, पुरानी सैलरी फाइंड करो, सही बात है यहाँ पे, बिल्कुल। अब 600 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, मेरे को बताओ कितना आने वाला है, ये आने वाला 200, सही बात है। अब 1 यूनिट अगर 200 है तो पुरानी सैलरी पूछिए उसने कितनी है, पुरानी कितनी 4 यूनिट, तो क्या आएगा 4 से हम कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 800 रुपए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये कंसेप्ट ना अच्छे से आ चुका होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट ना रहा होगा, सही बात है। चलो अब कुछ नए कंसेप्ट सीखते हैं और परसेंटेज के, अब इसको करते हैं रेस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब क्या नए कंसेप्ट बन सकते हैं। देखो एग्जामिनर हमारे साथ, देखो यहाँ पे ना, हम देखो सिंपल से क्वेश्चन देता हूँ मैं, 25% फाइंड करो किसी नंबर का, 25% ऑफ मान लेते हैं कि फाइंड करना हमें 100 का, बहुत इजी है ना। लेकिन अगर वो इसी क्या कर रहे, ऐसे मैं बोलूं कि यहाँ पे 25% ऑफ किसका फाइंड करो, 25% हमें फाइंड करना है किसका, 132 का, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन लेकिन अगर कोई ऐसे बोले कि वो फाइंड करो 25 ऑफ कितना, बोले हम बोल सकते हैं इसको कि 25 किसका फाइंड करना है हमें, 3750% का। ठीक है, अब समझना यहाँ पे हमने क्या ले रखा हुआ, यहाँ पे आपको ये सब प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पे हमारे पास 25% ऑफ 100 कितना आने वाला है, 25% किसके बराबर होता है 1/4 upon 100, सही बात है, कितना आएगा 25 ही आएगा। 25% ऑफ 132 कितना आएगा, 1/4 ऑफ 132, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33, सही बात है। अब इसको देखो, अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है, देखना कि आखिर ये 3750 इसको बोला कि इसको फाइंड करके बताना है हमें। अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक चीज सीखनी है, क्या सीखनी है कि अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं a% ऑफ b, या फिर हम ये फाइंड कर रहे हैं कि a ऑफ b%, ठीक है, इन दोनों का जो आंसर होगा ना वो क्या आपको मिलने वाला है, वो मिलने वाला सेम। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस घर पे खुद ट्राई करना, ए की जगह पे 25 ले लेना या सेम नंबर ले लेना, तो परसेंटेज चेंज करके देखना, आपको जो आंसर मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे। यहाँ पे भी देखो हमने क्या लिखा, 25 ऑफ 3750%, सही बात है। तो यहाँ पे हम ना 3750% बिल्कुल नहीं फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे हम 25% ऑफ 3750, समझ में आया, बोलो कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे किसी भी तरह की। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना, 25% को चेंज कर लेना 1/4 के साथ, मल्टीप्लाई कर देनी है 3750 के साथ। अब डिवाइड करना तो आपको आता होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो थोड़े से और कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे, थोड़े और क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या बता सकते हैं आगे। चलो जैसे एक और परसेंटेज लेते हैं, ठीक है, क्या नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं 64 ऑफ 75%,
64 ऑफ 75%। अब मेरे को देखना है यहां पे कि हमें क्या फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, कोई जरा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, सिंपल सी, 64 का 64 लिखा, 75% को क्या लिखेंगे, 3/4। अब ये 3/4 क्यों आया आपको पता होना चाहिए, कि आपको पता है कि 25% अगर कितना होता है, 25% अगर 1/4 है तो इसकी 3 से गुणा कर दो, 1/4 की भी 3 से गुणा कर दो, तो 25 की 3 से गुणा करी 75%, 3/4 सीधा हमने लिखना, कोई बार बार 75% 75/100 नहीं लिखना हमने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब देखना है यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 का 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16, तो कितना आया 48। अब देखना इसी को थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 64% ऑफ 75, क्या लिखा मैंने, अब देखना आप, यहाँ पे 64 था, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 75 था, यहाँ पे भी 75 है। तो एक बात बताओ, अभी हमने बताया यहाँ पे कि आपको a% ऑफ b जो होता है वो किसके बराबर होता है, b% ऑफ a के बराबर होता है। तो क्या जो चीज हमने ऊपर करी क्या चीज वही हम नीचे भी कर सकते हैं, यानी 64 ऑफ 75%, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बिल्कुल नहीं होने वाली। देखना कि आंसर क्या हमें सेम मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ बोथ हैंड साइड्स ये सीखते हैं, बोथ हैंड साइड्स प्रूफ करते समय। चलो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा तो साफ हो चुका है। अब यहां पे लेते हैं हम अपना पेन, हाँ देखो 64% कैसे लिखा जाएगा, 64/100 × 75, ठीक है, कितना आएगा 25 × 3 = 25, 4, 4 से कितना काटा 16, और कितना आएगा 48, कोई प्रॉब्लम इसमें। अभी दूसरी तरफ भी देखो, 64 ऑफ 75% मतलब 3/4 काटा, कितना आया 16, और कितना आंसर आएगा 48 आएगा। क्या दिख रहा है आपको, क्या आप समझ में आ रहा है कि क्यों a% ऑफ b या फिर b% ऑफ a दोनों सेम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, फाइंड करो 20 ऑफ 800%, क्या अभी आपने सीखा, क्या सीखा आपने अभी, कि a% ऑफ b निकाले b% ऑफ a निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे सामने दिख रहा है, क्या करेंगे 20 ऑफ 8%, 8% से कितने 2 जीरो मिलेंगे, 2 जीरो कटे सिर्फ 8 बचा, कितना आया 160, बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो क्यों आया, अब ये भी थोड़े बच्चों को क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है कि आखिर मैंने 8 कहां से लिख दिया, कहीं से नहीं लिखा, मैंने क्या करा इस 20 ऑफ का मल्टीप्लाई एंड 800% का कितना आ गया 2 जीरो नीचे आ गया, 100 आ गया, तो ये 0 से 0 से काट दिए। तो जब भी आपको यहाँ पे क्या दिखे, किसी भी नंबर के साथ 2 जीरो दिखे और परसेंटेज एक साथ दिखे, तो परसेंटेज और 2 जीरो से हमने क्या कर देना, इनको काट देना, ठीक है, ऐसे करके हमने क्या कर देना, इसको काट देना, देखना नहीं है कि हमें वो नंबर दे रखे हैं 2 जीरो साथ में लगा रखे हैं, सीधा 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ 800 वापस से बोला कि यहां से क्या करेंगे, परसेंट से 2 जीरो काटेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो सीधा कितना आएगा 20 की मल्टीप्लाई 8 से, तो क्या नंबर आया 160। आ रहा समझ में क्या करना, देखो 2 जीरो यहाँ पे दिखी हमें और परसेंटेज साथ में दिखी, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 2 जीरो गए तो 20 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे सीधा 8 से, तो कितना आएगा 160 आएगा। बोलो क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बड़े आगे। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जैसे हमने भी पीछे कॉन्सेप्ट सीखा कि सैलरी इंक्रीज करी 10% से, तो हाउ मच इट शुड बी डिक्रीज टू गेट द ओरिजिनल नंबर, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे हमने देखा कि पुरानी सैलरी हमें क्या हो रही थी कि इतने परसेंट से इंक्रीज कर रही थी, तो नई सैलरी दे रखी थी, वहां पे फाइंड करने के लिए बोला था कि ओरिजिनल सैलरी फाइंड करो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या पूछा हुआ, एग्जामिनर ने थोड़ा सा अलग करके पूछा हुआ, चलो इसको भी करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे सीखा उसी के साथ। मेरे को बताओ एक नंबर जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, 10% से, तो वही पुरानी चीज, सैलरी अगर 10% से इंक्रीज करी थी तो क्या करा था हमने, एक इनिशियल लिया था एक फाइनल लिया था, बताओ 10% किसके बराबर होता है, 10% हमारा होता है 1/10 के बराबर, मतलब कि 10 हमारा था पुराना नंबर, 10 हमारा था पुराना नंबर, एंड 1 क्या, 1 हमारा जो इंक्रीज करा, इंक्रीज के लिए बोला ना उसने, बिल्कुल 1 से नंबर इंक्रीज हुआ, यानी कि 10% 10 का 1 होता है, यानी कि पुराना नंबर हमारा कितना था, पुराना नंबर था हमारा 10, इंक्रीज कितना करा 1 से, मतलब 10 में क्या करेंगे हम 1 को जोड़ेंगे,
दस में एक को जोड़ा तो कितना आया, 11। समझ में आ रहा है? अब वो बोल रहा है कि हाउ मच इट शुड बी डिक्रीज, हाउ मच इट शुड बी डिक्रीज टू गेट द ओरिजिनल नंबर। कि अब जो नया, मतलब कि जो नया नंबर मिला, हाउ मच इट शुड बी डिक्रीज, यानी कि जो इंक्रीज करके जो नया नंबर आया हमारा 11, अब इस 11 को वापिस से 10 लाने में कितना मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछा गया। अब मेरे को एक बात बताना, 11 से जब मेरे को 10 पे जाना होगा तो मेरे को प्लस करना कि माइनस करना? ऑफकोर्स 11 में से माइनस करेंगे एक को, तभी ही तो हमें मिलेगा ना 10। अब मेरे को बताओ कि मुझे कितना डिक्रीज करना पड़ रहा है, मुझे जो डिक्रीज करना पड़ रहा है तो कितना करना पड़ रहा है, मुझे डिक्रीज करना पड़ रहा है एक का, किसके ऊपर करना पड़ रहा है? अब जो मेरा मतलब कि बाय वाला फैक्टर है वो कौन है, 11 के ऊपर डिक्रीज करना पड़ रहा है, क्योंकि नई सैलरी तो मेरी क्या थी, 11 थी। तो नई सैलरी को मेरे को ओरिजिनल बनाना है, यानी कि नए नंबर को मुझे ओरिजिनल नंबर बनाना है, सही बात है। तो मेरे को बताओ नए नंबर है मेरा 11 को मुझे क्या करना है, वापिस से एक से डिक्रीज करना है, क्या करना है, एक से डिक्रीज करना है मुझे, तो तभी मुझे क्या मिलेगा, मेरा को पुराना नंबर मिलेगा, तो एक अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आया, ये आता है हमारा डिवाइड करने पर 9.09%, कितना आता है 9.09%। समझ में आ रहा है? वापिस से देखो इस क्वेश्चन को, वापिस से करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहता है, इरेज करते हैं इसको पूरा। देखो क्या था, एक नंबर है 10% से करा इसको मैंने इंक्रीज, 10% से इंक्रीज करा, 10 को लिखते हैं हम 1/10, इनिशियल फाइनल। पुराना नंबर था हमारा 10 के ऊपर एक का इंक्रीज करा तो क्या हो गया, 11 हो गया। अब 11 को मेरे को बनाना है 10, तो क्या करना पड़ेगा, 11 पे माइनस एक करना पड़ेगा। अब जो एक का डिक्रीज आया वो किसके ऊपर आया, एक का डिक्रीज अब आ रहा है 11 के ऊपर, 10 के ऊपर नहीं आ रहा, मैं 1/10 नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा 1/11 करूंगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 9.09% आएगा। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना है? उम्मीद करता हूं कि अब तो क्लियर हो चुका होगा, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको, और ना ही आगे एग्जाम में भी आएगी। चलो अब देखो हमारे पास अब ये नंबर है, एक नंबर वापस से एक और क्वेश्चन करते हैं, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, बताओ क्या होता है, बताओ 25% होता है 1/4। ठीक है, पहली लाइन पढ़ी, 25% को 1/4 लिख लिया हमने। अब बोल रहा है हाउ मच इट शुड बी डिक्रीज, अब क्या करना है हमें, हाउ मच इट शुड बी डिक्रीज टू गेट द ओरिजिनल नंबर, वापिस से वही बोला हुआ है, तो वापिस हमने क्या करना, नंबर को इंक्रीज किया 25% से, वही करो इनिशियल फाइनल, इनिशियल कितना 4, ये हमारा क्या होता है, क्योंकि देखो 25% यानी कि 4 का 25% कितना होता है, एक होता है, मतलब पुराना नंबर हमारा कौन था 4, 4 के ऊपर एक का इंक्रीज आया हुआ है, क्या आया हुआ है, एक का इंक्रीज, एक का इंक्रीज आया तो 4 पे एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा, मतलब कि नया नंबर क्या बना, 5 बना। अब वापिस से वही कंसेप्ट हमने यूज करना है कि 5 के ऊपर मेरे को 4 को बनाना है, यानी कि 5 में से क्या माइनस करूं कि 4 आए, बिल्कुल एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो जल्दी से बताना मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 5 के ऊपर एक का डिक्रीज किया हमने, तो मेरे को बताओ तो मेरे को 4 मिला, तो यानी कि अब जो मेरा डिक्रीज आया वो किसके ऊपर आया, वो मेरा डिक्रीज आया 5 के ऊपर, कितना 1, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आया 20% आया। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो नंबर को हमने पहले 25% से इंक्रीज किया था, वापस से ओरिजिनल नंबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20% से उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि 5 को 20% से डिक्रीज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 4 वापस से मिल जाएगा। बोलो अब इस कंसेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो क्या हो रहा है, अब एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, बिल्कुल पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या था कि एक नंबर जो है पहले हमने इसे इंक्रीज करा 25% के साथ, कितने के साथ 25%, तो पहले हमने इतना से देख लेना कि क्या कहना जा रहा है, 25% क्या होता है बताओ, अब तो पता होगा ना 25% क्या होता है, कितने क्वेश्चन कर लिए 25% के साथ हमने, तो 25% होता है 1/4, कितना 4 के ऊपर 1 का इंक्रीज, सही बात है, तो 4 के ऊपर 1 का इंक्रीज, तो मेरा अब नया नंबर जो बना वो कितना बन गया, 5 बन गया। ठीक है, ये मेरा था ओल्ड नंबर, ये मेरा था न्यू नंबर, जब मैंने इसके ऊपर कितना करा 25% का इंक्रीज करा, अब मैंने क्या करा, देन द इंक्रीज्ड नंबर, इंक्रीज नंबर कौन है मेरा 5, इंक्रीज नंबर कौन है मेरा 5, अब देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, इंक्रीज नंबर को क्या था, इंक्रीज नंबर को क्या करा, डिक्रीज करा 20% से। देखो यहां पे 20% क्या होता है, 20% होता है हमारा
एक बटा पांच, क्या होता है एक बटा पांच। इसका मतलब कि पांच के ऊपर हमने क्या करा, तो डिक्रीज करा हमने 20% ना, तो यानी कि पांच के ऊपर एक का क्या करा हमने, डिक्रीज करा हमने। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है हम पे? अब देखो जो नया नंबर बना क्या वो भी पांच है कि नहीं है हमारा, बोलो क्या वो भी पांच है कि नहीं है। तो यानी कि पांच के ऊपर मैं वापिस से क्या करूंगा, एक माइनस करूंगा ना, देखो डिक्रीज आ रहा है, कितना डिक्रीज आ रहा है पांच के ऊपर एक का डिक्रीज आ रहा है, तो नया नंबर भी जो बना था वो पांच ही बना था, तो पांच के ऊपर एक का डिक्रीज करूंगा तो कितना आएगा चार, सही है। अब क्या बोला उसने, फाइंड करो नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंट। तो मतलब कि देखो पहले 25% से इंक्रीज करा तो पांच बना, फिर 20% से डिक्रीज करा तो चार बना, सही बात था। तो मेरे को बताओ पहले मेरा नंबर था चार, जब मैंने सारे ऑपरेशंस लगाए तब भी मेरा नंबर बना चार, कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया, कुछ भी नहीं, जीरो। मतलब कि यहां पे क्या हुआ, नो चेंज, क्या हुआ यहां पे, नो चेंज, समझ में आया, यानी कि 0% का चेंज आया यहां पे, बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं आया यहां पे, 0% का ही कहना हमने, क्या लिखेंगे नो चेंज। बोलो कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, वापिस से देखें एक बार इस क्वेश्चन को, देखो यहां पे देख लेते हैं क्या कहना जा रहा है, कि नंबर को इंक्रीज करा 25% से हमने इंक्रीज करा, 25% कितना होता है एक बटा चार, पुराना नंबर हमारा क्या था, पुराना नंबर था चार, चार को एक से इंक्रीज करा तो नया नंबर क्या बन गया पांच। फिर बोला कि जो इंक्रीज नंबर है यानी कि जो हमारा पांच है, इस पांच को ही मैंने क्या करा, डिक्रीज करा वापिस से 20% से, मतलब पांच के ऊपर क्या करा मैंने, माइनस वन करा, पांच से माइनस वन करूंगा तो क्या आएगा चार, पांच से माइनस वन करूंगा तो चार। मेरे को बताओ पहले मेरा नंबर चार था, बाद में भी चार ही बना, तो कितना डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ, कोई डिक्रीज है कोई इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या कह देना, हमारा आंसर क्या आया, नो चेंज आया। बोलो क्लियर हुआ है कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप तुम्हें क्या तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। चलो अब कुछ नए क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, आखिर ये क्वेश्चन क्या बोला है, कैसे किया जाएगा, पढ़ते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या कहना जा रहा है कि इफ 20% ऑफ द वर्कर, 20% जो वर्कर है फैक्ट्री में वो क्या है, फीमेल्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। देखो एंड आ गया तो पहले यहां पे रुक जाओ, इसी लाइन को समझने की कोशिश करो क्या कहना जा रहा है, 20% वर्कर जो है फैक्ट्री में वो कौन है, फीमेल्स है। मैं क्या बताओ 20% क्या मतलब हुआ, 20% हुआ 1/5, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 20% हमारा हुआ 1/5, तो इसका मेरे को बताओ क्या मतलब हुआ, कि पांच मेरा क्या बन गया, होल नंबर बन गया, पांच नंबर क्या बन गया मेरा, होल कंप्लीट जिसे हम बोलते हैं, पांच क्या बन गया कंप्लीट, क्योंकि परसेंटेज होल से तो डिनोट करते हैं हम, तो पांच हमारा क्या आ गया कंप्लीट, पांच में से क्या बोल रहा है कि एक जन जो है वो कौन है, फीमेल है, क्योंकि देखो पांच का 20% कितना होता है, एक होता है, आ रहा समझ, कि पांच का जब देखो 20% में पांच का निकालू तो कितना आएगा, एक आएगा, तो यही बोल रहा है कि 20% जो वर्कर मेरी फैक्ट्री में है वो कौन है, फीमेल्स है, सही बात है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास मेल और फीमेल, अब मेरे पास ओल्ड और क्या है वो सब नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, ठीक है, ये हमने लिख लिए सारे के सारे। क्या कहना चाहता है, बोल रहा है कि टोटल मेरे पास कितने हैं, पांच जन है, कितने हैं पांच जन, जिसमें से 20% जो है, देखो यहाँ पे 20% जो है वो कौन है, फीमेल्स है, 20% अगर फीमेल्स है तो मेरे को बताओ पांच का 20% कितना होता है, एक, तो फीमेल के नीचे क्या लिखा जाएगा, एक, आ रहा समझ में। अब मेरे को बताना एक जगह, टोटल अगर पांच जन है, फीमेल मेरी सिर्फ एक ही है, तो पांच में से एक माइनस करेंगे, पांच में से है ना, टोटल में से फीमेल्स को माइनस कर दे तो कौन बचेगा, मेल ही बचेगा ना, कितना है चार, तो इसका मतलब कि चार जन कौन हो गए, मेल हो गए। तो उन्होंने साथ में देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बोला हुआ है कि नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितने, 200 है, समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताओ क्या नंबर ऑफ मेल वर्कर्स मिले कि नहीं मिले, कितने, चार जन, यानी कि चार यूनिट, पीछे हमने कंपैरिजन करना सीखा ना, कि अब ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, चार यूनिट किसके बराबर है, 200 मेल है, चार जन अगर 200 है तो इसका मतलब कि एक जन कितना होगा, एक जन कितना होने वाला बताना मेरे को, 200 को चार से कर दिया जाएगा डिवाइड, 200 को चार से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा 50, समझ में आ रहा है, ये कौन आया, एक एक यूनिट आया, ये आ रहा समझ में। अब मेरे को बताना क्या पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या पूछा इन्होंने, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करके बताओ कि कितने यहाँ पे, मेरे को बताओ टोटल कितने, पांच यूनिट, कितने, पांच यूनिट, तो क्या कर दिया जाएगा, पांच से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट, क्या क्वेश्चन समझ में आया, कितना होगा 250, कितने जन है टोटल हमारे फैक्ट्री में, कितने 250 है, क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या इस तरह का क्वेश्चन कोई आए, क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे,
चलो एक बार वापस से इसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वापस से करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या था कि 20% वर्कर फैक्ट्री में कौन है, फीमेल्स है, 20% किसके बराबर आया, 1/5, 5 मेरी फुल स्ट्रेंथ है फैक्ट्री की, ठीक है, यानी कि कंप्लीट जन जितने भी हैं ये हमारी क्या आ गई, 5 जन आ गए। तो लिख लेते हैं कौन कौन है, मेल है, फीमेल है और टोटल है। टोटल अगर 5 है, 5 का 20% कितना होता है, 1, 5 का 20% अगर 1 होता है तो इसका मतलब कि ये कौन है, 20% तो फीमेल है, मतलब कि फीमेल कौन आ गई, 1। 5 में से 1 माइनस करा, यानी कि टोटल में से फीमेल्स माइनस करी तो कौन बचा, हमारे पास मेल बचे। अब उन्होंने देखो क्वेश्चन पढ़ो कि वर्कर्स में मेल कितने हैं, 200। वर्कर्स में मेल अगर 200 हैं तो इसका मतलब कंपैरिजन करो 4 यूनिट को 200 के साथ, क्योंकि मेल तो हमारे परसेंटेज के हिसाब से तो 4 थे ना, तो 4 यूनिट अगर 200 हैं तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 50 के बराबर आएगा। टोटल जन कितने, 5, टोटली तो पूछे उन्होंने, कर दो 5 के साथ मल्टीप्लाई दोनों तरफ, कितना आएगा, 250। चलो अब मेरे को उम्मीद, पूरी उम्मीद है कि आप अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से कर पाएंगे। चलो मेरे साथ आगे क्वेश्चंस करना, सेम ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे को दिख रहा है कि 14.28% दिख रहा है, 14.28% वर्कर फैक्ट्री में फीमेल्स आ रही है, ठीक है। मेरे साथ करना, आपको बताता हूं मैं कि 14.28% आखिर होता क्या है। 14.28% होता है हमारा 1/7, क्या होता है, 1/7। अभी निकाला कैसे मैंने इसका, देखो इसका मेथड सबसे अच्छा और सबसे आसान है। क्या मेथड है, याद करना, ठीक है, याद करो आराम से, कोई भी एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी तुम्हें कि 14.28% 1/7 कैसे आया, एक सेकंड में निकाल लोगे। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 14.28% को देखो यहाँ पे याद ही कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा नहीं बातें करनी यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे 14.28% कितना है, 1/7, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 14.28% इज इक्वल टू 1/7, क्लियर है। यहाँ पे ना हम आपको ना टेबल भी दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, पूरा टेबल दे देंगे जिसमें हर एक फ्रैक्शन की कितनी कितनी परसेंटेज होती है, वो उसमें से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप हमारे लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 14.28% कितना था, 1/7। अब टोटल देखो होल कितना, 7, मतलब टोटल जन कितने हैं हमारे पास, 7, और टोटल जन में है कौन कौन है, मेल और फीमेल। अब देखना 14.28% आखिर कौन है, फीमेल्स, सही बात है। तो 14.28% 7 का कितना होता है, 1, यानी कि फीमेल्स कितनी आई, 1, 7 में से 1 निकाला, 6। अब क्या बोला हुआ कि मेल वर्कर्स जो हैं कौन है, मेल वर्कर्स कितने, 360 हैं, हमारे यहाँ पे कितने हैं, 6 यूनिट है, परसेंटेज ने तो बोला कि 6 यूनिट है, तो इसका मतलब 6 यूनिट किसके बराबर है, 360 के, 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 60 के, ठीक है। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि 7 से कर दो मल्टीप्लाई। बोलो प्रॉब्लम होगी कभी एग्जाम में, देखते ही निकालोगे आंखें बंद करके, बिल्कुल बड़े आगे। चलो थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, अब तो बोल रहा है कि एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि जब 40% किसी एक नंबर का हम ऐड करेंगे 210 में, क्या बोला कि 40% किसी एक नंबर का, ये ध्यान देना कि एक नंबर का। अब सबसे पहले देखते हैं कि 40% होता क्या है आखिर, 40% अगर मैं किसी भी नंबर का निकालूं तो क्या देगा, वो ये देगा मुझे 2/5 देगा, क्या देगा मुझे, 2/5 देगा, ठीक है। अब देखना कि आखिर क्या कहना चाहता है, अगर मैं बोल लूं कि मेरा जो भी नंबर है 5 है, क्या बोलूं मैं कि जो भी मेरा नंबर है वो कितना है, 5 है, इसको मैं लिख लेता हूं 5 यूनिट। कोई भी नंबर अगर मेरा 5 है तो उसका 5 का 40% कितना होगा, 40% 5 का कितना होगा, 2 यूनिट होंगे, 2 यूनिट क्या आ गया, 40% आ गया किसी नंबर का। तो क्या बोला उसने कि 40% किसी भी एक नंबर का अगर मैं उसमें क्या करूं, 210 को ऐड करूं। अब मेरे को बताओ नंबर मेरा था 5 यूनिट, 40% उसका 2 यूनिट। अब देखो यहां पे करते हैं कि 2 यूनिट में अगर मैं क्या करूं, ऐड करूं 210, पढ़ो 40% ऑफ नंबर इज एडेड टू 210, यानी कि 40% किसी एक नंबर का 210 में क्या करूं, ऐड करूं, तब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम ही नंबर आएगा जो मेरा था, क्या था नंबर था, यानी कि सेम नंबर कौन था मेरा, दिख रहा 5 यूनिट। मतलब क्या हुआ कि 2 यूनिट में 210 जोड़ूंगा, क्या बनेगा, 5 यूनिट बनेगा। अब बताओ ये तो अब इक्वेशन बन गई ना, आराम से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या आएगा, 210 ये 2 यूनिट वहां पे चले जाएंगे तो 5 यूनिट में हो जाएंगे माइनस 2 यूनिट, कितना आएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर है, 210 के, बताना 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 70 के बराबर आएगा। क्या पूछा हुआ है कि फाइंड करो 150% ऑफ नंबर, उस नंबर का क्या करना है, 150% निकालना है,
देखो 150% आप सीधा इसका भी निकाल सकते हो पहले, या फिर ओरिजिनल नंबर फाइंड कर लो उसका 150% निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले देखो नंबर निकाल लेते हैं, हमारा नंबर क्या 5 यूनिट नंबर है तो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आया 70 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 350, यानी कि हमारा जो नंबर था वो कौन है 350 है। लेकिन निकालना क्या है, ध्यान से देखो नंबर नहीं निकालना, यहाँ पे मैं छोड़ा ना कि 350 दिखा ऑप्शन में तो बस टिक कर, नहीं बिल्कुल 150% निकालना हमें, क्या निकालना है 150%। चलो 150% निकालते हैं, आप ये समझते हैं कि 150% किसी भी नंबर का क्या होता है ना। देखो 150% यहाँ पे ना निकालना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो 150% ऑफ 350 जब निकालेंगे तो 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, 15 के 35 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आएगा 15 5 75 5 7 5 12 और 5 कितना है 525 आ गया, कितना आ गया 525। तो ये हमारा क्या था, थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो नंबर है क्या आ गया हमारा 150% ऑफ 350। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, हाँ अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है अब ये आ गया आपका होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि 60% किसी नंबर का क्या है 360 है, 60% अगर किसी नंबर का 360 के बराबर है तो 200% निकालना है आपने उस नंबर का। क्या बोला 60% किसी नंबर का ऐड करेंगे 360 में, माफ करना क्या बोला भाई, देखना कि 60% किसी नंबर में 60% किसी नंबर के 360 ऐड करेंगे तो नया नंबर जो बनेगा वो वापस से वही नंबर बनेगा। ठीक है, यानी कि और हमें क्या करना कि 200% निकालना उस नंबर का। तो ये आपका क्या आ गया होमवर्क आ गया, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको, क्लियर है, ये आपको क्या आ गया होमवर्क आ गया। और कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, बाय बाय।